गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन द न्यू ऑनलाइन सेशंस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल 2021-22। माय नेम इज सुरभि भारद्वाज, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स मैथ्स। इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2 विच इज़ होल नंबर एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट्स इंट्रोडक्शन एंड प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, number line, how to add, subtract or multiply on number line. So in this class we will start exercise number 2.1. So let's start with first question. Question number 1 is, write the next three natural numbers after 10,999. तो हमें इसके बाद 10,999 के बाद के तीन नेचुरल नंबर्स बताने हैं कि इसके बाद के तीन नंबर्स कौन से आएंगे। तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते जाते हैं, तो 10,999 में हम प्लस वन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 11,000। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 11,001, फिर आएगा 11,002। तो अगर आपको ऐसे काउंटिंग नहीं आए तो आप उनमें प्लस वन करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, राइट द थ्री होल नंबर्स अक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से पहले के आपको थ्री होल नंबर्स बताने हैं। 10,001 से पहले तो आप माइनस वन करते जाइए, तो 10,001 में हम माइनस वन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा पहले तो। उसके बाद 10,000 में माइनस वन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9,999। और इसमें से हम माइनस वन करेंगे तो मिलेगा हमें 9,998। और अगर आपको काउंटिंग ना आए तो आप इसमें भी सब्ट्रैक्ट वन को सब्ट्रैक्ट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है। अब अगर नेचुरल नंबर पूछते तो सबसे छोटा कौन सा होगा, वन, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वन से। बट होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, ज़ीरो से। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, ज़ीरो से। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा, ज़ीरो, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वन से और होल नंबर शुरू होते हैं ज़ीरो से। तो हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो चलिए काउंटिंग लिख के देख लीजिए आप। आपको डायरेक्ट आप काउंट कर सको तो अच्छी बात है, वरना आप नॉर्मली काउंटिंग लिख के भी आप इसे कर सकते हो। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये, 4। तो हमें 32 और 53 के बीच में बताना है, तो काउंटिंग लिखिए 32 के बाद में 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। 53 तो आई गया हमारा, 53 तक ही तो काउंट करना था। तो काउंट कीजिए कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने नंबर्स मिले हमें, 20 नंबर्स। कितने नंबर्स मिले, 20 नंबर्स। तो 32 से 53 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 20 नंबर्स। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर ऑफ, इनके सक्सेसर निकालने हैं तो प्लस वन करना है। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, प्लस वन होता है। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है आपका, प्लस वन। और प्रीडेसेसर का मतलब होता है माइनस वन। तो चलिए निकाल के देखते हैं, एक दो का मैं निकालती हूँ, बाकी का आप लोग निकालेंगे। एक सबसे पहले ए का निकाल लें, ए में है आपकी डिजिट 24,40,701। अब इसमें आपको सक्सेसर निकालना है तो प्लस वन कर दीजिए, वन और वन ऐड किया टू, और बाकी डिजिट पूरी आ जाएगी एज इट इज़। तो कितना आया इसका सक्सेसर, 24,40,702। इसमें हमने वन ऐड कर दिया क्योंकि सक्सेसर निकालना था। अब बी वाला आप खुद करेंगे,
सी वाला कर देती हूँ। चलिए मैं सी में है 10,99,999। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, 1। चलिए करते हैं, 9 and 1 10 की 0 carry 1, 9 1 10 0 carry 1, 10 0 carry 1, 10 0 carry 1, 10 0 carry 1, 1 और 1 क्या मिला हमें, 11 lakh। 10,99,999 में अगर हमने 1 ऐड किया उसका सक्सेसर निकालने के लिए, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, 11 lakhs। अब इसका बी और डी वाला आप लोग खुद करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6 में निकालना है प्रीडिसीजर निकालना है। प्रीडिसीजर मतलब -1। तो ए का आप खुद निकालेंगे, चलिए बी का निकालती हूँ मैं। बी क्या है, 10,000। 10,000 का हमें प्रीडिसीजर निकालना है, तो -1 करना है। तो 10 में से 1 माइनस किया, इसने बोरो लिया, 10 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा, 9। अब यहाँ भी 9 रह गया, बोरो लिया इसने, इसलिए 9। इधर भी 9 रह गया, ये 9, और ये भी 9 रह गया है, तो ये 9। क्या मिला हमें इसका प्रीडिसीजर, 9,999। तो 10,000 का अगर हमें प्रीडिसीजर निकालना है, तो -1 करेंगे प्रीडिसीजर के लिए, तो क्या रिजल्ट मिला हमें, 9,999। उसके बाद चलिए डी वाला और कर देती हूँ मैं एक। डी में क्या है, 76,54,321। इसका प्रीडिसीजर मतलब -1, तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, बाकी डिजिट सेम ऐसी की ऐसी लिख लोगे आप। क्या मिला हमें इसका प्रीडिसीजर, 76,54,320। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, ये जो आपको नीचे नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर दिए हुए हैं, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट टू द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसमें आपको बताना है कि अगर हम इनको नंबर लाइन पे लिखें तो कौन सा नंबर हमें लेफ्ट साइड में दिखेगा। ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन और लेस देन। तो आपको उनमें साइन भी लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है, एक तो 530 और 503। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि 530 और 503 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 530 है, तो लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आएगा, 503, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ़्ट में छोटे नंबर आते हैं, स्मॉलर नंबर होते हैं, और राइट में ग्रेटर नंबर होते हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे, 503 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। छोटा कौन सा है, 503, तो ये किस में आएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा। तो इसमें साइन कौन सा आएगा 503 और 530 में, बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो बड़े की तरफ हम खोल देते हैं इसका, तो ये 530 ग्रेटर देन 503, 530 503 से बड़ा है। इसका डी वाला करती हूँ, चलो ये मैं बी और सी आप लोग खुद करेंगे। डी में क्या है, 98,30,415, और दूसरा नंबर है 1,23,001। अब ये तो नंबर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो पहले नंबर ऑफ द डिजिट काउंट करते हैं। तो इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें कितनी आई हमारी, 7, और इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो 8 वाला है वो बड़ा है। अब बड़ा नंबर कहाँ आता है नंबर लाइन में, राइट साइड में, और छोटा नंबर कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में। तो कैसे लिखेंगे, 98,30,415 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1,23,001। तो लेफ्ट में कौन सा आएगा आपका, जो छोटा नंबर है, और छोटे नंबर पे हम साइन कौन सा लगाएंगे,
लेस देन वाला, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुलता है, बड़े नंबर की तरफ, तो बड़े नंबर की तरफ हमने मुंह खोल दिया इसका। तो ये हुआ 98,30,415 इज़ लेस देन टू 1,23,001। लेस देन और ग्रेटर देन आपको आता होगा समझ में। तो नंबर लाइन में लेफ्ट की साइड, लेफ्ट साइड की तरफ स्मॉलर नंबर होते हैं और राइट साइड की तरफ ग्रेटर नंबर होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब आते हैं आपके इसमें ट्रू फॉल्स, आपको क्या करना है इसमें ट्रू फॉल्स करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ज़ीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ज़ीरो नेचुरल नंबर है, पहले तो ये बताइए ज़ीरो नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं, ज़ीरो किस में आता है? होल नंबर्स में आता है। तो ज़ीरो जब नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है तो ये तो फॉल्स हो गया ऑलरेडी। सेकेंड, 400 इज प्रीडेसेसर ऑफ 399। प्रीडेसेसर मतलब क्या होता है? माइनस वन होता है। तो जो प्रीडेसेसर इसका, अगर 399 का प्रीडेसेसर क्या होगा? 399 में से माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा? 398। 400 नहीं आएगा, 400 तो इसका सक्सेसर है, प्लस वन करने पे आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? ज़ीरो से। तो बिल्कुल ज़ीरो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है होल नंबर्स का। 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। 599 में अगर हम वन प्लस करेंगे तो हमें 600 मिलेगा, बिल्कुल। तो ये ट्रू हो गया आपका। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? वन से। वन से कंटिन्यू जो काउंटिंग चलती जाती है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ज़ीरो से। ज़ीरो से अगर होल नंबर शुरू हो रहे हैं तो वन वन तो आ रहा है ना उसमें, वन से वन टू थ्री ये काउंटिंग शुरू हो रही है ना उसमें भी, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे। उसके बाद है, द ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से। होल नंबर्स में ज़ीरो होता है, बट नेचुरल नंबर में ज़ीरो होता है नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रीडेसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या अगर कोई भी दो डिजिट नंबर का हम प्रीडेसेसर निकालें तो क्या कभी वो सिंगल डिजिट का नहीं हो सकता? चलिए करके देखते हैं कि हमारे पास टू डिजिट नंबर 10 है। अब 10 का हमें प्रीडेसेसर निकालना है, मतलब कि माइनस वन करना है, तो क्या मिला हमें? 9 मिला। तो 9 हमारा, 10 तो हो गया हमारा टू डिजिट नंबर, और इसका प्रीडेसेसर अगर हमने निकाला तो वो क्या मिला हमें? 9। ये वन डिजिट नंबर है, तो अगर हम कोई टू डिजिट नंबर का अगर प्रीडेसेसर निकालें तो हमें वन डिजिट नंबर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मिल सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। वन इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो वन है ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है? नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर ज़ीरो होता है। द नेचुरल नंबर वन हैज़ नो प्रीडेसेसर। वन का कोई नेचुरल नंबर्स में वन का प्रीडेसेसर होता है क्या? बिल्कुल होता है। प्रीडेसेसर मतलब होता है माइनस वन नेचुरल नंबर्स में। तो वन को माइनस वन करने पे ज़ीरो आया, बटे तो होल नंबर हो गया। ज़ीरो नेचुरल नंबर में तो होता ही नहीं है, तो ये आपको इसमें फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर वन का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता। होल नंबर वन हैज़ नो प्रीडेसेसर। होल नंबर्स में वन का प्रीडेसेसर होगा क्या? वन माइनस वन करेंगे ज़ीरो आएगा, तो बिल्कुल होगा, तो ये फॉल्स हो गया। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में आता है 13? नहीं, बाद में आता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसेसर। 0 के 0 से भी कम कोई होल नंबर होता है क्या? नहीं होता, तो ये ट्रू हो गया। 0 से कम कोई नंबर नहीं होता, इसलिए द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर। किसी दो डिजिट नंबर के जो कोई भी नंबर हैं उनका सक्सेसर क्या हमेशा टू डिजिट का होगा क्या? चलिए करके देखते हैं। हमारे पास ये टू डिजिट नंबर है 99, इसका हमें सक्सेसर निकालना है, तो प्लस वन कर दिया, तो आंसर किस में आया हमारा? थ्री डिजिट नंबर में आया ना। थ्री डिजिट नंबर में तो ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, वो आपका कब आपका वो थ्री डिजिट नंबर में भी हो सकता है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। तो ये आपकी 2.1 कंप्लीट हुई। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ़।